अपनी पूरी गृहस्थी हाथों में समेटकर एक जगह से दूसरी जगह घूमने को मजबूर लो, मगर पानी का कहर ऐसा कि खुद की जान बचाना मुश्किल। सामान तो बात की बात है, घर का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां पानी न भरा हो। फिर इस सामान को लेकर आखिर जाएं तो जाएं कहां? ये तस्वीरें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की हैं। तेज बारिश, पहाड़ों का दरकना और ऊपर से अतिक्रमण, नतीजा जहां कभी पानी नहीं भरा उन रिहायशी इलाकों के घर भी अब डूब चुके हैं। और एकदम साहब से भी बात करिए, चक्कर में पानी बहुत भरा पड़ा, इसीलिए पूरा कर रहे थे तो अतिक्रमण कर रखा, इस तरीके से सब पार्ट बना है उसमें। अतिक्रमण यूपी की सीमा में अतिक्रमण कर रखा है, तुरंत हमने ये साहब से मांग करिए, हटवाए जाए लोगों घरों पानी भर कर। देखिए ये कितने समय से यहाँ रह रहा है, आज तक पानी नहीं भरा है। कुदरत के कहर की चपेट में देश के कई राज्यों के साथ उत्तराखंड भी है। आसमान से बरसी तबाही ने उत्तराखंड का जर्रा जर्रा हिला दिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में मौत का तांडव तो मैदानी क्षेत्रों में जल का विनाशकारी रूप। चारों तरफ खौफनाक नजारे और बारिश से पहले राहत की तैयारियां कुदरत के कहर में बहकर चली गईं। अब तबाही के बाद प्रशासन फिर से अलर्ट हुआ है और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही जा रही है, क्योंकि जो 15 तारीख को हेमपुर इस्माइल में जो बाढ़ की स्थिति बनी थी, इसको लेकर जिलाधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे मौके का निरीक्षण करना है और नदी के साथ जितने नाले हैं इनका सारे रूट देखने हैं कि इनका पानी किधर से आता है और किधर को जाता है, कहीं कोई ब्लॉकेज है कि नहीं है। तो इसी को लेकर एक रेवेन्यू टीम और नगर निगम की टीम, सिंचाई विभाग की टीम, एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं और कल से इस पर संभवतः कार्रवाई भी चालू कर देंगे ताकि आगे ऐसी रुकावट ना हो और लोगों को समस्या का सामना ना करना पड़े। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इसको मैपिंग करने का नक्शा भी रख रहे हैं, इसको देखते हैं कि पानी किधर किधर से आ रहा है। तो खामियां जो रुकावटें हैं, जैसे कहीं कहीं पे झाड़ियां उग गई हैं, कहीं जो नाला है वो सकरा हो गया है क्योंकि वहाँ पर सिल्टिंग हो गई है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी बारिश हो तो एक तो जहाँ नदी नाले या नहरें हैं वहाँ ना जाएँ, क्योंकि पानी का बहाव कभी भी बढ़ सकता है। और पानी देखा होगा आपने, अब रिसेंटली न्यूज़ भी आ रही कि कुछ बच्चे जो हैं बार बार मना करने के बाद भी नहरों में नहाने चले जा रहे हैं। तो एक तो ये अपील करना चाहूँगा, दूसरी चीज़ ये है कि जब अगर कहीं भी पानी की निकासी की समस्या है तो उसमें प्रशासन का सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें और जहाँ भी समस्या आ रही है उसकी जानकारी दें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कुदरत के कहर से लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अब अधिकारियों ने कमर कसी है, लेकिन कुदरत के इस कहर के आगे अधिकारियों की तैयारियां कितनी कारगर साबित होती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। NBT ऑनलाइन के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट।